टू ऑल ऑफ यू। आज के वीडियो लेक्चर में स्टूडेंट्स हम एक्सेल के ऊपर प्रैक्टिकल सीखेंगे और एक्सेल के ऊपर प्रैक्टिकल में स्टूडेंट्स हम चार चीजें सीखेंगे। एक तो गोल से करना, एक रो और कॉलम को हाइट करना, सॉरी यहाँ पे स्पेलिंग गलत थे, कॉलम की सही कर देते हैं, हाइट रो एंड कॉलम सीखेंगे और साथ में हम इसको आगे बढ़ाते हुए सीखेंगे सॉर्टिंग और फिर हम सीखेंगे फ्रिज मेंस। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम सीखते हैं यहाँ पे गोल से की गोल से किस लिए यूज में लिया जाता है। तो एक्सेल ओपन करते हैं, एक्सेल को किस तरीके से ओपन करना करते हैं ये मैं आपको प्रीवियस वीडियोस में सिखाई चुकी हूँ अच्छे से। ठीक है, चलिए आइए सीखते हैं, चलिए गोल से देखते हैं। गोल सीक में क्या होता है, गोल सीक में हमको एक अज्ञात वैल्यू को यहाँ पर जान सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मम्मी ने आपको 5000 रुपए दिए खर्चे के लिए, आप मार्केट जा रहे हैं, मम्मी ने कहा 5000 रुपए ले जाओ अपना खर्चा कर लो। तो आपने खर्चा किया सपोज 3000 की आपने ड्रेस ले ली और 1500 की आपने करीब यहाँ पे बुक्स ले ली। ठीक है, अब आपका कितना खर्चा हुआ, सबसे पहले टोटल ये निकाल लो कि कितना खर्चा हुआ। तो टोटल निकालने के लिए हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, इसका सम कर लेते हैं। तो आपके यहाँ पे 4500 रुपये खर्च हो चुके हैं, मम्मी ने 5000 रुपये दिए, उनमें से 4500 आप खर्च कर चुके हैं। अब आपको ये दिमाग लगाना है कि अब हमें फ्रूट्स और लेना है तो फ्रूट्स कितने रुपए के आएंगे। तो अभी तो आपको मैनुअली समझ में आ रहा है कि 500 रुपए के फ्रूट्स आ जाएंगे जस्ट, लेकिन यदि संख्या काफ़ी बड़ी हो, मैं छोटी तो जानबूझ कर लेकर आई ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए छोटी संख्या, मान लो करोड़ों में, लाखों में, बहुत बड़ी बड़ी संख्या हो, तो फिर हमें यहाँ पे ज्ञात करना काफ़ी मुश्किल होता है। ठीक है, तो इस अज्ञात वैल्यू के लिए जैसे हमारे 4500 रुपये खर्च हो गए, अब हमको जानना है कि हम कितने रुपये के फ्रूट्स खरीद सकते हैं। तो इस अज्ञात वैल्यू को जानने के लिए हमको गोल सीक अप्लाई करना होगा। ठीक है, तो गोल सीक अप्लाई करने के लिए सबसे पहले तो उस सेल को पे क्लिक करिए जिसमें फॉर्मूला लगा हुआ है। तो फॉर्मूला किस पे लगा हुआ है, हमारा इसी सेल पे लगा हुआ है। ठीक है, फिर आप चले जाइए डेटा टैब में। डेटा टैब में जाने के बाद आपको जाना होगा व्हाट इफ एनालिसिस में और फिर आपको जाना होगा गोल सीक में। गोल सीक में हम जाते हैं तो सबसे पहले आता है बाय सेल, सॉरी सेट सेल। तो सेट सेल यानी इस सेल पे हमको डेटा को सेट करना है, क्योंकि मम्मी ने हमको 5000 रुपए दिए हैं, तो इस सेल में हमको बजट कितना लेकर आना है, 5000। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं 5000। ठीक है, यानी इस सेल में हमें 5000 रुपए का बजट पूरा खर्च करना है ना, मम्मी ने 5000 दिए, हमें 5000 ही पूरे खर्च करने हैं। अब हमको ये देखना है कि हम कितने के फ्रूट्स ले सकते हैं, तब उसके लिए हम क्या करेंगे, बाय चेंजिंग सेल पे हम क्लिक करेंगे और जिस जगह का हमको वैल्यू ज्ञात करना है थर्ड नंबर पे, हम उस वैल्यू उस सेल के ऊपर क्लिक कर देंगे और यहाँ पे कर देंगे हम ओके। तो देखिए आ चुका कि भाई आप 500 रुपए के फ्रूट्स यहाँ पर ले सकते हो। ठीक है, इन केस मान लीजिए मम्मी का फोन आ जाता है और आपके पास सपोज एटीएम कार्ड है, मम्मी ने कहा कि आप एक काम करो 7000 रुपए तक खर्च कर जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, बीच मार्केट में आप हैं, आप 7000 रुपए तक के खर्च कर सकते हैं, है ना। तो अब आप क्या सोचेंगे, हो सकता है कि आप सोचें कि क्यों ना हम एक काम करते, ड्रेस और भी कॉस्टली ले लेते हैं। तो अब मम्मी ने 7000 तक का बजट बता दिया तो अब ड्रेस कितने की आ सकती है, तो वैसे मैनुअली तो आप दिमाग लगा लो 5000 की आ जाएगी, लेकिन हम एक्सेल से कैसे फाइंड आउट करें। तो ये देखिए गोल से काम फिर से यूज़ करके देखते हैं। तो गोल से के लिए पहली चीज़ तो कि भाई यहाँ पे भी हमारा फॉर्मूला लगा हुआ है, वहाँ पे हमको सेलेक्ट करना होगा, फिर डेटा टैब में जाना होगा, फिर व्हाट इफ एनालिसिस में और हमको गोल सीक पे जाना होगा ना। 5000 रुपये का बजट था अभी तक हमारे पास, अब मम्मी ने बोला 7000, यानी आपको यहाँ टोटल में 7000 कर देना है ना, क्योंकि हमें तो पूरे पैसे खर्च करने हैं। ठीक है, हमने यहाँ पे लिख दिया 7000। अब कौन से सेल में आप चेंज करना चाहते हो, मम्मी ने 2000 रुपये ज़्यादा दे दी तो आप कहाँ पर खर्चा ज़्यादा करोगे, तो आपने कहा चलो अपन ड्रेसेस ज़्यादा ले लेते हैं, तो आपने यहाँ पर क्लिक कर दिया और ओके कर दिया। तो आपकी ड्रेस अब आपको समझ में आएगा कि आप 5000 रुपये तक की ड्रेस ले सकते हो और फिर इस तरीके से आपका 7000 रुपये टोटल खर्च हो जाएगा। तो ये चीज़ कहलाती है आपकी गोल से, कि यहाँ पे आप अज्ञात वैल्यू को ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो मतलब मैंने एक छोटा सा एग्जांपल लिया था, असल में ये कंपनी वगैरह के काम में बहुत ज़्यादा यूज़ में आता है, यहाँ पे लाखों करोड़ों के बिल बनते हैं, काफ़ी हिसाब किताब होता है, तो वहाँ पे हमको काफ़ी चीज़ों की सेट करना पड़ता है, काफ़ी अमाउंट सेट करना पड़ता है, वहाँ पर हम इसका यूज़ करते हैं। चलिए आइए अब आगे बढ़ते हैं। तो अब हम सीख लेते हैं गोल सीख के बाद रो और कॉलम को हाइट करना। ठीक है, रो और कॉलम को कैसे हाइट किया जा सकता है, सपोज मेरे पास यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स के नाम हैं, जैसे किसी का नाम है श्याम, किसी का नाम है राम, किसी का नाम है आरती,
देखिए किसी का नाम है ज्योति, ठीक है, और मान लीजिए किसी का नाम है, ये हमारे पास कुछ नेम है, ठीक है। अब इन नेमों से मुझे, मैं चाहती हूँ कि कोई सा एक नाम हाइट हो जाए, तो हाइट करने के लिए क्या करेंगे, हाइट करने के लिए जैसे मैं चाहती हूँ आरती का नाम हाइट हो जाए, तो जस्ट आपको क्या करना है, आरती की जो रो है मतलब फोर्थ नंबर की रो है ना, तो फोर्थ नंबर पे क्लिक कर देना है, जिस भी रो पर है, जिस भी रो को आप हाइट करना चाहते हो उस रो पे जस्ट क्लिक कर दीजिए, पूरी रो सिलेक्ट हो गई। अपने माउस से राइट क्लिक करिए और यहाँ पे ऑप्शन आता है हाइट, तो जैसे हाइट का ऑप्शन आता है वहाँ पे आप क्लिक कर दीजिए, तो देखिए ये हाइट हो चुकी है, ठीक। अब आपको वापस लाने, तो आप क्या करेंगे वापस लाने के लिए, देखिए यहाँ पे हाइट हुआ है ना, वहाँ पे अगर बहुत ध्यान से देखोगे चौथा नंबर हाइट हुआ है, तो तीन और पाँच के बीच में आपको डबल लाइन दिख जाएंगी, तो जस्ट आपको वहाँ पर जाना है, तो जब आप कर्सर ले जाओगे तो ऐसा मतलब ऐसा कुछ प्लस जैसा साइन आ जाएगा, बस वहाँ पे जाके डबल क्लिक कर देना, तो जैसे डबल क्लिक करोगे तो आपका ये नेम आ जाएगा। अब हो सकता है आपको थोड़ा सा पॉइंट चेंज कर करके चार पांच बार करना पड़े, क्योंकि एक बार में हो सकता है आपको डबल क्लिक करो और ना आए, तो थोड़ा सा पॉइंट लोकेशन चेंज करके और फिर आप क्लिक कर करके देखना, तो आपका ये नेम आ जाएगा, ओके। इसी तरीके से आप कॉलम को भी हाइड कर सकते हो, जैसे यहाँ पे मेरा डेटा लिखा हुआ है, मैं चाहती हूँ पूरा कॉलम हाइड हो जाए, तो यहाँ पे राइट क्लिक करा और राइट क्लिक करने के बाद हाइड कर दिया, तो देखिए ए जो कॉलम है वो हाइड हो चुका है। अब वापस लाना है तो अगेन जहाँ ए था वहाँ पे आप चले जाओ, यहाँ पे वो हाइड हुआ है, तो इस तरीके से देखिए थोड़ा सा प्लस जैसा कुछ सिंबल बन जाता है, इस पर आप जस्ट क्लिक कर दो, यहाँ पे राइट क्लिक करिए यहाँ पर और अनहाइड कर दीजिए, ठीक है। तो वहाँ पे जाके चाहते आप डबल क्लिक करके देखिएगा, यहाँ पे जैसे ही प्लस का निशान लगाए वैसे राइट क्लिक कीजिएगा और अनहाइड कर दीजिएगा। थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, तीन चार बार हो सकता है आपको करना पड़े, पर करके देख लीजिएगा, अनहाइड हो जाता है, ठीक है, ओके। नाउ अब हम देख लेते हैं इसमें सॉर्टिंग की, सॉर्टिंग कैसे अप्लाई करते हैं। तो अब जैसे सॉर्टिंग करना है, सॉर्टिंग में क्या होता है, अरेंज हो जाता है जैसे कैरेक्टर वाइज, जैसे कि ए नाम के बच्चों के नाम सबसे ऊपर आ जाएंगे, फिर बी के, फिर सी के, नहीं असेंडिंग ऑर्डर में ये अरेंज हो जाएंगे। तो इसके लिए क्या करना है, जस्ट आपको सेलेक्ट कर देना है सबको और फिर यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन आता है सॉर्ट एंड फिल्टर का, तो यहाँ पे क्लिक करना है एंड सॉर्ट ए टू जेड कर दीजिए, तो ये डाटा पूरा सॉर्ट हो चुका है, ठीक है। नाउ अब हम देख लेते हैं फ्रिज करना। सपोज यहाँ पे मैं रोल नंबर लिखती हूँ, तो रोल नंबर 101, ठीक है, इसका नाम रोल नंबर 102। अब मान लीजिए इस तरीके से मेरे पास 1000-2000 बच्चे हैं, तो क्या सबके में रोल नंबर ऐसे ही मैनुअली टाइप करते रहूँगे 101, 102, 103, नहीं ना। यदि मान लीजिए इस तरीके से किसी सिक्वेंस में ही नंबर मुझे लिखने हो, तो उसके लिए क्या करना होता है, इसे दो बार नंबर लिख दो सिक्वेंस में 101, 102। अब नॉन है कि भाई इसके बाद 103, 104, 105, 106, 107 मतलब 103, 104, 104, 105 ऐसे आएंगे ना, तो आप क्या करो इन दो सेल को यहाँ पे सिलेक्ट कर लो, फिर राइट हैंड साइड के लास्ट पॉइंट पे चल जाओ, एंड पॉइंट पे, तो इस तरीके से प्लस का साइन बन जाएगा। माउस से लेफ्ट वाले बटन को क्लिक कर देना, ये दबा देना लेफ्ट वाला बटन, और माउस को जो है वो नीचे की तरफ खींचना, तो खींचोगे तो इस तरीके से देखिए ऑटोमेटिक नंबर आ गए, फाइन, ओके। अब यहाँ पे हम हेडिंग भी लिख देते हैं, जैसे हमने लिखा रोल नंबर और यहाँ पे हमने लिखा ये, ठीक है। अब हम इस डाटा को थोड़ा सा और अच्छा कर देते हैं, हम यहाँ से इसको कट करते हैं, अरे यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। अब मैं चाहती हूँ कि सपोज इसके बाद बहुत सारा डाटा लिखा हुआ है, अब तो भाई फादर्स नेम भी हो सकता है, बच्चे का रिजल्ट भी हो सकता है, इस कंडीशन में क्या होगा, जब मैं इसको स्क्रॉलिंग करूंगी इस तरीके से, तो देखिए जो पूरा डाटा है वो अंदर की तरफ चला जाएगा। अब इसमें कई सारी चीजें हो सकती हैं, जैसे कि बच्चे का यहाँ पे रिजल्ट हो सकता है ना, मैं पास फेल कुछ भी हो सकता है, पास फेल। अब देखिए पास फेल है ना, मैं चाहती हूँ कि एक जना पास एक जना फेल इस तरीके से हो जाए, तो तभी मैं यहाँ के ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकती हूँ, ठीक है। अब सपोज इस तरीके का डाटा है, और अच्छा यहाँ पे मैं रिजल्ट भी लिख देती हूँ, रिजल्ट इस तरीके का डाटा मेरे पास है। अब मैं अगर इसको स्क्रॉलिंग करती हूँ, देखिए मेरे राइट हैंड साइड, तो देखिए पूरा डाटा चला जाता है, रोल नंबर तो स्पेशली मेरे छुप ही गए। अब मैं क्या चाहती हूँ, देखिए कोई भी डाटा है तो उसमें स्टार्टिंग का जो रोल नंबर है ना वो मेन होता है,
रोल नंबर हम जान ले तो उसके आगे का डाटा हम खुद ही एंटर कर दें। तो अब मैं चाहती हूँ जब मैं इसको स्क्रॉलिंग करूँ ना, तो ये पूरा डाटा जो अंदर की तरफ जा रहा है ना, भले सारा डाटा चला जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो रोल नंबर है ना ये स्थिर बना रहे, ठीक है। तो उसके लिए हम करते हैं फ्रिज का उपाय। तो उसके लिए हमें सबसे पहले जो अपना कॉलम है उसको सिलेक्ट करना होगा। कॉलम को सिलेक्ट करने के बाद हमको जाना होगा व्यू टैब में। व्यू टैब में जाने के बाद हमको ऑप्शन मिलता है फ्रिज पेंस, यहाँ पे हमें क्लिक करना होगा और फ्रिज फर्स्ट कॉलम। तो जब फर्स्ट कॉलम को हमने फ्रिज कर दिया, तो अब देखिए अब मैं जब स्क्रॉलिंग कर रही हूँ, देखिए राइट हैंड साइड से कर रही हूँ मैं यहाँ से स्क्रॉलिंग, तो जब मैं स्क्रॉलिंग कर रही हूँ तो देखिए जो मेरा जो रोल नंबर वाला ये फ्रिज बना हुआ है एज इट इज, यानी होल्ड बना हुआ है, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं इसमें स्क्रॉलिंग इस तरीके से करती हूँ, तो देखिए अगर ये रोल नंबर रिजल्ट ही छुप गया, नेम छुप गया, तो अब मैं यहाँ पे मुझे कैसे पता चलेगा कि भैया यहाँ पे रोल नंबर ही लिखना है, यहाँ पे पास फेल लिखना है, यहाँ पे बच्चे का नाम लिखना है, मुझे कैसे पता चलेगा, मुझे नहीं पता चल रहा ना। तो जरूरी है कि मान लो मेरी बहुत बड़ी एंट्री है, तो मुझे ये चीज़ तो देखिए रोल नंबर नेम और रिजल्ट, हजारों लाखों की एंट्री में करनी, तो मैं बार बार थोड़ी ना देखा करूँगी कि यहाँ मुझे नेम लिखना है, यहाँ रिजल्ट लिखना है, यहाँ फादर्स नेम लिखना है, क्योंकि ऐसे तो बहुत बड़ा डेटा हो सकता है ना, मैंने बहुत छोटा लिया है। तो उसके लिए क्या करते थे, रो को होल्ड कर देते, तो रो को सिलेक्ट कर दो और चले जाओ फ्रिज पेंस पे और कर दो फ्रिज टॉप रो, ठीक है। अब देखो मैं स्क्रॉलिंग करती हूँ इसको, तो देखो जो रोल नंबर नेम और रिजल्ट है वो क्या है, एज इट इज बने हुए। तो इस तरीके से हम फ्रिज करके कॉलम और रो को होल्ड कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं चाहती हूँ कि मेरे सामने सिर्फ और सिर्फ उन्हीं बच्चों के रिजल्ट आ जाएं जो बच्चे पास हैं, तो इसको हम बोलते हैं फिल्टर। ये मैंने आपको इंट्रोडक्शन में नहीं बताया था कि हम पढ़ेंगे, लेकिन मैं अभी मुझे ध्यान आया तो मैं आपको पढ़ा देती हूँ। तो उसके लिए क्या करना होगा, मुझे सिर्फ और सिर्फ उन्हीं बच्चों के रिजल्ट चाहिए जो पास है, तो उसके लिए रिजल्ट वाला जो सेल है उस पर मुझे जस्ट क्लिक करना होगा। उसके बाद होम टैब पे जाइए, तो ऑप्शन हम मिलता है सॉर्ट एंड फिल्टर, यहाँ पे क्लिक करिए, यहाँ पे एक ऑप्शन आता है फिल्टर, तो यहाँ पे क्लिक करिए। फिल्टर पे जैसे ही क्लिक करते हैं तो इस तरीके से आपके पास एरो के निशान आ जाएंगे। एरो के निशान पे जस्ट क्लिक करिए। आपको किस बच्चे के रिजल्ट चाहिए, सिर्फ पास वालों की ना, तो आप यहाँ पे सबको ऑफ करके सिर्फ और पास पे राइट क्लिक रहने दीजिए, यानी पास के पहले जो बॉक्स है चेक बॉक्स है वहाँ पे क्लिक कर दीजिए, तो राइट का निशान आ जाएगा, रोके कर दीजिए। तो देखिए पास के रिजल्ट आपके सामने। ओके स्टूडेंट्स, तो ये थे आज के हमारे वीडियो लेक्चर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। बाय बाय।